मकसद यही है कि इमरान खान की पार्टी जो हक पर सच पर है उसको नहीं आने दिया जाए। अगर ये हक पर सच पर है और हुकूमत को संभाल सकते हैं तो इनको इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए। इलेक्शन कराएं, मुकाबला करेंगे। इलेक्शन से भागने का मकसद ही है कि ये लोग हार चुके हैं। ताला दो तिहाई से इमरान खान जीतेगा और इनका मुंह उनको पता लग जाएगा कि ये कितने शिकस्त खा चुके हैं। इनकी हार है, हर हाल में ये इस वजह से इलेक्शन कैंसिल करा रहे हैं। लेकिन ये हार अगर इनको ये समझते कि जीत सकते हैं तो इनको आना चाहिए, मैदान में मुकाबला करना चाहिए। यकीनन इनकी हार है, इसीलिए कैंसिल करवा रहे हैं इलेक्शन। इंशाल्लाह इमरान खान आएगा और इस मुल्क की खुशहाली और तरक्की में पाकिस्तान सबसे आगे होगा। इलेक्शन ना भी हो लेकिन हम अपने हक के लिए और अपने मुल्क के लिए तरक्की के लिए निकलते रहेंगे, कोशिशें करते रहेंगे। इंशाल्लाह एक दिन दिन आएगा कि हक और सच जो है वो उसकी जीत होगी और इमरान खान की जीत होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तानों से यही कहूँगी कि वो पुरउम्मीद रहें और इलेक्शन वाले दिन खासकर निकलें और अपने वोट को इमरान खान का वोट दें, बल्ले पे मोहर लगाएं और बल्दियाती इलेक्शन को कामयाब बना के इस मुल्क को कराची को खासकर साफ़ सुथरा माहौल दोबारा से बनाया जाए। कराची को दोबारा से रोशनियों का शहर बनाएंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम एराम फयाज़ है और मैं कैंडिडेट हूँ जनरल काउंसलर बल्दियात में जेना टाउन से।